तो सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए, 5 जख्मी हो गए। हमलावर आतंकियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। आतंकियों को पकड़ने के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज है। आतंकी हमले के 22 घंटे बीत गए हैं लेकिन आतंकी लापता है। कठुआ के जंगलों का यह पूरा इलाका ताबड़तोड़ फायरिंग से गूंज उठा। ग्रेनेड अटैक के बाद गोलीबारी का जो सिलसिला शुरू हुआ तो करीब 3 घंटे तक जारी रहा। सेना की गाड़ियों पर आतंकी दो तरफ से फायरिंग कर रहे थे। इस समय आज तक उस स्थान पर पहुंच चुका है जहां पर कल आतंकवादियों ने कायराना हमला किया। मेरे पीछे जो आप सेना का वाहन देख रहे हैं इसी पर आतंकवादियों ने कल ग्रेनेड से हमला किया और साथ ही में फायरिंग भी की। यहां पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये कांच पूरा बिखरा पड़ा है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कल इस समय स्थिति कितनी भयावह हुई होगी। ये टायर्स देखिए इस ट्रक के, जो सेना के ट्रक है, पूरी तरह से पंक्चर हो चुके हैं। यहां पर गोलीबारी जो है काफी ज्यादा हुई है कल यहां पर दोपहर को 3:30 बजे जब ये आतंकी हमला हुआ था। और मैं यहां पर आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाऊंगा। ये देखिए गोलियों के निशान, गोलियां जो हैं इस सेना के ट्रक के बिल्कुल भीतर चली गई, इतनी फायरिंग हुई है। यहां पर एक और यहां पर हम गोली का निशान देख सकते हैं। तो आप कल्पना कीजिए उस समय स्थिति कितनी भयावह हुई होगी। कठुआ के माछेड़ी इलाके में सेना की गाड़ियां तलाशी के लिए इस इलाके में निकली थी। एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़। आतंकियों ने नीचे कच्ची सड़क से गुजर रहे काफिले को अपना निशाना बनाया। एक स्थानीय दुकानदार ने बताया कि हमले की वजह से पहले तो ऐसा लगा कि सेना के ट्रक का टायर पंचर हो गया, लेकिन बाद में गोलीबारी शुरू हो गई। गाड़ी को हम अंदर सौदा दे रहे हैं तो एट ए टाइम फायर हुआ, छोटा फिर बड़ा हो गया। हमने जो अंदर आदमी 4-5 बैठे, हमने गाड़ी का आर्मी वाले की गाड़ी का टायर पंचर हो गया, क्योंकि गाड़ियां तो हमने देखी थी, गाड़ी जा रही थी। उसके बाद एट ए टाइम फायरिंग शुरू होगी। आपने बाहर निकल के? नहीं, हमने बाहर नहीं निकले। अच्छा। हमने बाहर नहीं देखे क्योंकि जब काउंटर चल रहा था दोनों साइड पे हमें पता चला तो इधर फायर चल रहे थे, हमको फायर दिखाई देते थे, हम दुकान से बाहर नहीं निकले। हमले की सूचना मिलते ही सेना की मदद मौके पर पहुंची। आतंकियों पर जवाबी हमला शुरू हुआ लेकिन तब तक ट्रक में मौजूद 5 जवान लहूलुहान हो चुके थे और आतंकी वहां से निकलकर घने जंगलों में भाग चुके थे। आतंकियों की धरपकड़ के लिए आज सुबह से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सर्च ऑपरेशन में ग्राउंड सर्च टीम के साथ हेलीकॉप्टर और यूएवी की मदद ली जा रही है। खोजी कुत्ते और मेटल डिटेक्टर से चप्पे चप्पे की तलाशी हो रही। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त ऑपरेशन में आतंकियों की तलाश की जा रही। सेना के पैरा कमांडोज को दूर दराज के इलाकों में उतारा गया है जहां से आतंकियों के भाग निकलने का शक है। आसपास के पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस हमले में 3 से 4 विदेशी आतंकवादी शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि 28 अप्रैल को पनारा गांव में हुए हमले में भी यही आतंकी शामिल थे। इसी महीने सेना ने पानी, डग्गर और किंडली इलाके में संदिग्ध हलचल देखी थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। यहाँ पर कल मुठभेड़ भी हुई थी इस आतंकी हमले के बाद। 10 से 15 मिनट तक ये मुठभेड़ चली थी लेकिन कहीं ना कहीं आतंकी यहां से भागने में सफल रहे और तब से लगातार यहां पर गहन तलाशी अभियान चल रहा है। चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिसकर्मी हो या भारतीय सेना के शूरवीर हो, वो लगातार इस पूरे क्षेत्र में गहन तलाशी अभियान कर रहे हैं। और यहां पर मैं एक बार फिर ये चीज को हाईलाइट करना चाहूंगा, ये एक ब्लाइंड कर्व है, कच्ची सड़क है, ब्लाइंड कर्व है। यहाँ पर 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक आप वाहन नहीं चला सकते। खाई है यहाँ पर आप देखिए पानी का झरना भी है। तो ये दुर्गम स्थान है, ऊंचे पहाड़ है, घने जंगल है, यहाँ पर आप ज्यादा तेज गति से वाहन नहीं चला सकते। इसलिए पूरी रेकी की थी आतंकवादियों ने और उसके बाद ही उन्होंने स्थान को चुना था इस कायराना हमला करने के लिए। सुनील जी भट्ट, कठुआ आज तक। सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुनील जी भट्ट, ताजा स्थिति क्या है, क्योंकि आसपास काफी ज्यादा घने जंगल दिखाई दे रहे हैं, ये मालूम पड़ता है कि ये सर्च ऑपरेशन अभी लंबा चलने वाला है।
जी बिल्कुल नेहा, आपने सही कहा। ये जो तलाशी अभियान चल रहा है ये लगातार तब से ही चल रहा है जब से आतंकी हमला हुआ है, लेकिन अभी तक सुरक्षा बलों को कोई बड़ी सफलता इसमें हासिल नहीं हुई है। हालांकि अतिरिक्त टीमें भेजी गई हैं भारतीय सेना की तरफ से, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, लेकिन फिलहाल सुरक्षा बलों के हाथ कोई सफलता नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है कि कम से कम 3 से 4 आतंकवादी हो सकते हैं जिन्होंने कायराना हमला किया। फिलहाल उनकी तलाश जारी है और प्राथमिकता यही है कि उन आतंकवादियों को ढेर कर दिया जाए। लेकिन नेहा, जो चिंता का विषय यह है कि जो हमारे सूत्र हैं सुरक्षा एजेंसियों में, उनका कहना है कि कम से कम 40 से 50 आतंकवादी जम्मू संभाग के अलग अलग पहाड़ी क्षेत्रों में, अलग अलग समूह में इस समय छिपे हुए हैं और पिछले 3 वर्षों से लगातार यहां पर आतंकी हमले हो रहे हैं और यहां का भूगोल काफी चुनौतीपूर्ण है। आप देखिए, मैं तस्वीरें आपको दोबारा दिखाऊंगा। देखिए, घने जंगल है, ऊंचे पहाड़ है और यहां पर कोहरा भी है, मौसम भी खराब है। कल देर रात यहां पर काफी वर्षा हुई, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ की जो स्थिति है, परिस्थिति है, यहाँ का भूगोल है, ये आतंकवादियों को काफी फायदा पहुंचाता है और सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। लेकिन हमारे सुरक्षा बल तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं और प्राथमिकता यही है कि आतंकवादियों का पता लगाया जा सके, लेकिन फिलहाल कोई बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के हाथ नहीं लगी है। 5 जवान अभी भी घायल हैं और उनका उपचार चल रहा है पठानकोट के सैन्य अस्पताल में। उनकी स्थिति जो है स्थिर बताई जा रही है और हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। लेकिन हमने इस आतंकी हमले में अपने 5 शूरवीरों को खो दिया है। 5 भारतीय सेना के जो सैनिक हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए हैं और लगातार 3 वर्षों से आतंकी हमले हो रहे हैं जम्मू संभाग के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे राजौरी हो, पुंछ हो, डोडा हो और अब कठुआ जिले के जो पहाड़ी क्षेत्र है यहां पर भी आतंक अपना सिर उठा रहा है और कहीं ना कहीं ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि इस बीच कठुआ के जिस इलाके में आतंकी हमला हुआ वहां का पूरा इलाका बेहद जोखिम भरा और जंगलों से घिरा हुआ है। जैसा कि मैं संवाददाता भी जानकारी दे रहे थे, तय है कि आतंकियों ने हमले के लिए इस जगह को खास तौर पर चुना, उसके पहले इस इलाके की रेकी भी की। कठुआ के इस इलाके से गुजर रही सेना की गाड़ियों पर जिस तरह आतंकवादियों ने हमला किया उसके बाद कई सवाल उठने लगे हैं। क्या आतंकवादियों को सेना की गतिविधियों को लेकर पहले से कोई जानकारी थी? क्या आतंकवादियों ने इस इलाके की पहले से रेकी की थी? क्या इस पूरी साजिश में किस स्थानीय ने मदद की थी जिसकी वजह से आतंकी वहां से निकल भागने में कामयाब रहे? कठुआ के बनोटा गाँव से गुजरने वाली इस सड़क को देखिए। इस इलाके में पक्की सड़क नहीं है, इस कच्ची सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं हो सकती। सेना का काफिला भी यहां से धीमी रफ्तार से गुजर रहा था। पहले एक तरफ से आतंकवादियों ने ट्रक के ड्राइवर को अपना निशाना बनाया, फिर ग्रेनेड हमले के बाद सेना के ट्रकों पर फायरिंग शुरू हो गई। जिस तरह से पूरा हमला हुआ इस बात की आशंका जताई जा रही है कि स्थानीय मदद से ही आतंकवादियों को रेकी करने में मदद मिली। स्थानीय मदद से ही उन्हें शेल्टर मिला, खाने पीने की सुविधा मिली। यही नहीं, हमले के बाद आतंकवादियों को भागने में भी लोकल गाइड से ही मदद मिली होगी। सूत्रों के मुताबिक इस हमले में पाकिस्तान के आतंकवादियों का हाथ है। इन आतंकवादियों के पास अमेरिका में बनी हुई M4 कार्बाइन राइफल्स के साथ अत्याधुनिक हथियार थे। अब पहाड़ी इलाके, धुंध और घने जंगलों की वजह से सर्च ऑपरेशन में मुश्किल आ रही है। सरकार के लिए चिंता का सबब यह भी है कि हाल के दिनों में जम्मू में आतंकी हमले की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। खासकर सरहद से लगे इलाकों में आतंकी लगातार सेना और नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। सुनील जी भट्ट, कठुआ, आज तक।